अहमदाबाद के डिजाइन संस्थान एनआईडी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नोटबंदी के बाद रद्दी बन चुके रुपयों को नए मायने दे रहा है। आरबीआई ने यह प्रोजेक्ट एनआईडी को सौंपा है। बेहद खूबसूरत लैम्प शेड्स, साथ ही पौराणिक कथानकों पर आधारित ऐसे शोपीस, ये आपका मन लुभा सकते हैं। ये आम मेलों में मिलने वाले हस्तशिल्प के समान नहीं है। ये नोटबंदी के बाद बेकार हुए 500 और हजार के नोटों को कुछ और बेशकीमती बना देने का जतन है, जिसमें एनआईडी अहमदाबाद के छात्रों की कल्पनाशीलता दिखती है। एक तो रिसाइकलिंग का है और दूसरा कुछ भी प्रोडक्ट इसमें बनाए जाएंगे तो उसमें एक स्टोरी होगी बताने के लिए कि ये एक करेंसी नोट, क्योंकि करेंसी नोट खत्म होने के बाद तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, पर उसको किस तरीके से वैल्यू दी जाए डिजाइन के थ्रू। आरबीआई ने एनआईडी को यह प्रोजेक्ट दिया है। जब छात्रों को बताया गया कि इसके लिए उनको लाखों रुपए मिलने वाले हैं तो वो हैरान हो गए। बोरों में भर भर कर रुपए आए। फिर समझ में आया ये बेकार हो चुके नोटों को नई शक्ल देने की चुनौती है। देश में बहुत लोगों को परेशानी हुई थी इसकी वजह से, लाइन में खड़ा रहना पड़ा था, लेकिन उसके बाद अगर हम इस चीज़ का कुछ अच्छा यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नए बना सकते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकें और उस परेशानी की हमें वो बुरी यादें नहीं रहेंगी, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा उससे। एक डिज़ाइन कॉम्पिटिशन रखा जाएगा जिसमें हम स्टूडेंट्स हम और हम बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं ये पूछा जाएगा कि इस मटेरियल के साथ और क्या हो सकता है। तो छात्र अब कचरा बन चुके इन रुपयों को दे रहे हैं एक नई जिंदगी, एक नई कीमत। कला की ताकत ये भी होती है।